वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब दा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो शुरू करन तो पहला आप जी दे चरणा विच बेनती आ कि वीडियो नू पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनना। अते अज दी वीडियो दे विच जो भी आपां गलबात करन जा रहे हैं यह किसी प्रकार का कोई भी वहम भरम नहीं आ, बल्कि वहम भरम दे विचों कढ़न दे लई अज दी वीडियो बनाई गई आ। इस करके सब दे चरणा दे विच बेनती आ कि इस वीडियो नू पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनियो। जेकर तुसी भी इन्हां गल्लां दे नाल सहमत हो तो कमेंट बॉक्स दे विच अपने विचार जरूर दसने। तो आओ अज दी वीडियो शुरू करने आ। देखो जी, सियाने समझाउंदे होए कहिंदे वी किसान धरती दे विच एक बीज बीज के उहदे तों कई गुणा फल प्राप्त कर लैंदा है। उसे ही तरह दान पुन करने वाला मनुख, सेवा करने वाला मनुख, ये दोवां हत्थां दे नाल दान पुन करदा है, दोवां हत्थां दे नाल सेवा करदा है, पर उहदी ये कीती हुई सेवा, कीता होया दान पुन कई हत्थां दे राही वापस आउंदा है। कहण दा भाव है कि जदों भी कोई मनुख चंगे कर्म कमाउंदा है तां उहदे उह कीते हुए चंगे कर्म उहदे तक वापस जरूर आउंदे ने अते दुगणे चौगणे हो के आउंदे ने। सिर्फ चंगे कर्म ही नहीं, जे आपां माड़े कर्म कमावांगे ना तां फिर उह माड़े कर्मां दा फल भी सानूं भुगतना पैणा है, उह माड़े कर्मां दा फल भी सानूं इसे तरह दुगणा चौगणा हो के मिलेगा। तां इस लई बेहतर इह आ कि आपां अपनी जिंदगी दे विच हमेशा चंगे कम करिए तां जो साडे चंगे कर्म बणन अते फिर उहनां दा फल भी सानूं चंगा मिले। इसे करके महापुरख जी वार वार सानू समझाउंदे आ वी जिथे वी किते सेवा करन दा मौका मिले, दान पुन करन दा मौका मिले ना, अपने हथों ये मौका गवाउणा नहीं चाहीदा। जे ओह मालक ने, सतगुर सच्चे पातशाह ने सानू इन्ने जोगा कीता है कि असी किसे दी मदद कर सकदे आ, किसे वी चीज दे नाल असी किसे दी सहायता कर सकदे आ ना, तां कदे वी पैर पिछे नहीं पुटना चाहीदा, इह चंगा कर्म बना लैणा चाहीदा है। क्योंकि कीता होया दान पुन, कीती हुई सेवा, ये वड्डे पुन दा काम आ। ये कम करन दे नाल ही साडे चंगे कर्म बणदे आ अते जदों चंगे कर्म बनने शुरू हो जांदे आ फिर माड़े कर्मां दी गिनती अपने आप ही घट जांदी आ। तां जो मनुख वी कह दिंदे आ ना कि साडी तां किस्मत ही माड़ी आ, साडी किस्मत खोटी आ, साडी किस्मत दे विच कुछ भी चंगा नहीं लिखिआ, उन्हां नूं महापुरख जी वार वार समझाउंदे आ कि अपनी किस्मत नूं कोसण दे नालों, अपनी किस्मत नूं दोष देण दे नालों आपां अपने कर्मां वल ध्यान दईए, अपने कर्मां नूं सुधारन दी कोशिश करिए कि जो भी दुनियादारी दे विच विचरदिआं होइआं असीं कमकार करदे आ ना, अपने आप नूं देखिए कि मैं की कर रहा हाँ, किते मेरे इन्हां हत्थां कोलों भुल के वी किसे दा माड़ा तां नहीं हो रिहा, क्योंकि ये हाथ सानू चंगे कर्म कमाउण दे लई मिले आ, दान पुन सेवा करन दे लई मिले आ, किरत करन दे लई आ, मेहनत करन दे लई मिले आ, पर इन्हां हत्थां दे नाल कदे वी किसे दा माड़ा नहीं करना, किसे दा हक नहीं मारना, किसे दा नुकसान नहीं करना। ते महापुरख जी सानू समझाउंदे होए कहिंदे कि सानू वध तों वध दान पुन सेवा करनी चाहीदी आ, पर सेवा करिए किंज, क्योंकि साडे विचों बहुते मनुख इह वी कह दिंदे आ ना कि असीं तां बहुत सेवा करदे आ, बहुत दान पुन करदे आ, पर फिर भी साडा कोई भी काम निपरे नहीं चढ़दा, साडी जिंदगी दीआं दुख तकलीफां, साडी जिंदगी दीआं परेशानियां खत्म नहीं हुंदीआं। पर महापुरख जी तां सानू हमेशा इह समझाउंदे आ कि जदों ही मनुख चंगे कर्म कमाउणा शुरू कर लैंदा है उहदे माड़े कर्म घटने शुरू हो जांदे आ, उहदी जिंदगी दीआं दुख तकलीफां घटणियां शुरू हो जांदीआं ने, तां फिर कौण गलत आ? महापुरख जी तां कदे वी गलत हो नहीं सकदे, इह तां साडे विच ही कमी आ, साडे तों ही किते ना किते कोई गलती रहिंदी आ। क्योंकि सियाणे कहिंदे वी जदों वी आपां सेवा करदे आ, दान पुन करदे आ ना, साडा इक हथ दान पुन करे तां दूजे नूं पता नहीं लगणा चाहीदा, भाव कि जिन्ना ही असीं गुप्त दान करदे आ, गुप्त सेवा करदे आ, उन्ना ही ज़्यादा फल मिलदा है। पर असीं सेवा घट करदे आ, दान पुन घट करदे आ अते विखावा ज़्यादा करदे आ, फिर उह दान पुन करके फल दी आस भी रखदे आ वी इहदा मैनूं की फायदा मिलेगा,
पर महापुरख जी कहते जिन्ना ही आप निरस्वार्थ होकर सेवा करा ना उन्ना ही सतगुर सच्चे पातशाह खुश होंगे ने मेहरबान होंगे ने असि तो बस कर्म कमाने चंगे कर्म कमाने फल देना उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी के हाथ में आते सच करके जाने जी सतगुर सच्चे पातशाह कदे भी किसी की कीती हुई मेहनत का फल अपने कोल नहीं रखते झोली दे विच जरूर पाते हैं तो बस आप अपनी जिंदगी चंगे कर्म कमाने वध तो वध दान पुन करना है वध तो वध सेवा करनी है गुरबाणी का ज्ञान हासिल करिए समझ आती है कि सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू किसी खास एक दिन दे लई दान पुन करने नूं नहीं कहा भी सिर्फ एक दिन सेवा कर ली बाकी साल दे विच कोई भी चंगा कर्म ही ना कमाया ना सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे हर दिन अपने आप नूं रात नूं पुछ के सोना भी अज सवेर दा तू कोई चंगा काम कीता है किसे दा भला कीता है किसे रोंदे नूं हसाया है किसे भुखे नूं रजाया है ये सवाल रोज जे आपां अपने आप नूं पुछीए ना साडे चंगे कर्मां दी गिनती आपे ही वधेगी माड़े कर्मां दी गिनती अपने आप घटेगी सानूं तां हर रोज सतगुरु सच्चे पातशाह ने सरबत दे भले दी अरदास करन दे लई कहा सरबत दा भला करन दे लई कहा गुरसिख दी उन्नी देर अरदास पूरी नहीं हुंदी जिन्नी देर तक उह सरबत दा भला ना मंगे आप अरदास विच कहिंदे आ ना कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला साड़ी अरदास सरबत दे भले दे नाल ही आ ते जो मनुख सरबत दे भले दी अरदास करदे आ सरबत दे भले दे कारजां विच योगदान पाउंदे उहनां नूं अपना भला मंगण दी लोड़ नहीं पैंदी सतगुरु सच्चे पातशाह बिना बोलिया बिना मंगिया सब दाता झोली दे विच पा दिंदे ने ते किसे भी खास एक दिन नूं मुख रख के दान पुन सेवा नहीं करदे जिथे भी साड़ी लोड़ आ जिथे भी सानूं कोई लोड़वंद गरीब जरूरतमंद दिसदा है उहदी उत्थे ही सहायता करनी भावे पैसे दे नाल करो कपड़े दे नाल करो दवाइयां दे नाल कर दो राशन पानी लिया के कर दो जो भी चीज दी उस मनुख नूं लोड़ होवे उस बस लोड़वंद दी मदद करनी आ उहदी लोड़ दे मुताबक तां कीती होई सेवा दा कीते होए दान पुन दा कदे भी हंकार नहीं करना चाहीदा भी मेरे कोल तां बहुत कुछ आ मैं तां बहुत दानी आ मैं बड़ा ज्ञानी आ क्योंकि इह सारियां दातां सतगुरु सच्चे पातशाह दीआं दित्तियां ने सानूं तां सिर्फ उन्होंने वडियाईयां बख्शियां ने कि लै तूं मेरियां दित्तियां दातां दे विचों दान पुन करके वडियाईयां खट ला पर कईआं तों तां उह वी नहीं खट्टियां जांदियां कईआं दे कोल दान पुन करन दे लई किसे दी मदद करन दे लई बहुत कुछ आ पर चंगा मन नहीं है कि जिदे नाल उह किसे दा भला कर सकन तां भला करना है भला करदिआं होइआं कुछ कु गल्लां दा ध्यान रखना एक तां विखावा नहीं करना दूसरा इह सोचना कि असीं जदों भी किसी नूं कोई चीज दिंदे आ ना उहदे राहीं उहदा नुकसान ना होवे जदों भी कपड़िआं दा दान पुन करना है तां कोशिश कीती जावे कि नवें कपड़े लै के दान पुन कीते जाण खास करके धीआं धिआणीआं नूं पुराने कपड़े नहीं देने चाहिए जेकर पुराने कपड़े दे रहे हैं ना उन्होंने चंगी तरह धो के धुप लवा के फिर किसी नूं पुराने कपड़े दो जेकर तुहानूं कोई चमड़ी का रोग आ जेड़ा दूसरे नूं भी लग सकता तां उस मनुख नूं अपने कपड़िआं दा दान नहीं करना चाहिए जेकर तुसीं भोजन प्रशादे दे राहीं किसी की मदद कर रहे हो तां भोजन प्रशादा दिंदिआं भी इह ध्यान रखो कि किते इह ना होवे कि असीं बहियां पुराणियां चीज़ां दूजिआं नूं दे के आखीए भी मैं तां बहुत दानी हाँ कई बार घर इदा ही हों कि जो ज्यादा राशन पानी बन जाता है एक दो दिन तो आप खाण के तीजे दिन जो नहीं खाता जाता जो थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो जाए तो उदो वंडना शुरू कर देंगे ने बेहा आटा बेही दाल सब्जी कदे भी किसी भी नहीं देनी चाहिए कदे भी उस चीज का दान पुन ना करो जेड़ी चीज दे नाल दूजे दा नुकसान हो जावे क्योंकि परमात्मा तां सब देख रहे हैं ना बंदा बंदे दीआं अखां दे विच कट्टा पा सकदा परमपिता परमात्मा तां सब जानदे आ सब देख रहे हैं खाण पीण वालियां चीजां देण लग्गिआं खास ध्यान रखना भी कदे भी किसे नूं खराब चीज नहीं देनी जिन्हों खा के पी के किसी का नुकसान हो जाए सो मुकदी गल ए आ कि जदों भी आपां दान पुन करदे आ सेवा करदे आ
ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ, ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਵਾਰ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।